हेलो दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और नई नई जानकारियां आपको मेडिसिन के बारे में मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ श्री गोपाल तेल, और ये बैद्यनाथ कंपनी का है। बैद्यनाथ कंपनी आयुर्वेदिक चीज़ें बनाती हैं, और इसकी MRP 88 रुपये है 10 ml के पैक में, और पूर्णतया आयुर्वेदिक है, और ये OTC है। पेशेंट इसको जो है काउंटर से बिना डॉक्टर के सलाह से भी खरीद सकता है, और ज़रूरी है कि उनकी सलाह एक बार ज़रूर ली जाए। तो दोस्तों, आइए इसके मुख्य घटक के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इसमें 30 से ऊपर के जो घटक हैं इसमें मिलाए गए हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य जो है बता देता हूं, और वीडियो क्योंकि ज़्यादा जो है लंबी नहीं करना चाहता मैं। तो चलिए, इसमें पड़ता है एक काले तिल का तेल इसमें मिला हुआ है, मजीठ, हल्दी, लोद्र, नागरमोथा। साथ ही नागरमोथा के बारे में आगे जो है आपके लिए वीडियो बनाऊँगा एक अलग से। और इसमें नलिका आंवला, हर्रे, बहेरा, कतकी पुष्प, बटांकुर, उसीरा, सतावरी, और इसमें पदमाक, छोटी कटेरी, बला की जड़, मोथा, लाल चंदन, श्वेत चंदन, आंवला, जीविका, जीवंती, मुलेठी, मुग्धपर्णी, मरीच, पीपर, केसर, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नाग केसर, नीलकमल, खस, जटामांसी, देवदारू, बच, अनारदाना, नेपाली धनिया। इस तरह इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, मैं आपको खास खास बता देता हूँ। इसमें जो है सारा नहीं बताया मैंने, और इसमें कुछ काढ़ा ही इसमें डला हुआ है। काढ़ा जैसे अंशगंध की जड़ है, आंवले का रस है, केवड़े के फूल और जड़ दोनों का इसमें रस है, बृहत मूल का काढ़ा भी इसमें मिला हुआ है, और साथ ही ये जो है तेलपाक विधि से बनाया गया है। और चलिए इसके बारे में बता देते हैं फ़ायदे। फायदे जो हैं, सबसे ये समझ लीजिए कि जितनी एलोपैथ है, आयुर्वेद है, उसमें से सबसे अच्छा तेल ये श्री गोपाल तेल माना गया है। और इसके जो मैं आपको यूज़ बताऊंगा, वाकई में ये बहुत अच्छे हैं और विश्वास करने लायक है मैं जो आपको बताऊंगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये काम करता है यौन शक्ति जो है, अगर आपको कम हो गई है तो उसमें काम करता है। नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब कुछ आपका जो है प्राइवेट पार्ट, मैं इसको प्राइवेट पार्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसको पेनिस कहते हैं, हिंदी में लिंग कहते हैं, तो मैं प्राइवेट पार्ट बोल रहा हूँ या पेनिस बोलूँगा, आप समझ जाना उसको। और खून का दौरा आपके पेनिस में कम हो रहा है, नसों का तनाव कम हो रहा है, पेनिस टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, तो स्पर्म से जुड़ी हर समस्या, कोई भी समस्या हो स्पर्म से जुड़ी है, वो भी सही हो जाती है, जल्दी स्खलन हो जाता है। मानो आपका पेनिस छोटा है, पतला है, टेढ़ा भी है, तो इन सब से जो है जो जुड़ी बीमारियां हैं, हर समस्या का समाधान इस तेल से होता है। तो दोस्तों, मैं कम बताऊँ, आप ज़्यादा समझिए, और एक बार आपका मन करे तो ज़रूर इसको यूज़ करिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से। फिर भी जो है मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सही है, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें। तो चलिए तरीका बता देते हैं कैसे यूज़ करना है। साथियों, थोड़ी सी मात्रा, मतलब 10 या 15 बूंद अपनी हथेली पे रखकर हल्के हाथों से मालिश करना है पेनिस को, वो भी केवल रात में। लगभग 2 से 2.5 महीने तक अगर आप इस तरह डेली जो है मालिश करेंगे, तो आपका जैसे पहले था वैसे मौके पे हो जाएगा, वैसे ही काम करेगा, और आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, अच्छा भी लगेगा, दांपत्य जीवन आपका सुधर जाएगा, परिवार में खुशियाँ भी आएंगी। और साथियों, आप डरते होंगे साइड इफ़ेक्ट से, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आयुर्वेद है, उसके बाद ये आपके शरीर के ऊपरी भाग पर लगता है, सो खाना भय नहीं, खून में मिक्स नहीं होगा, इसलिए कम से कम इसके जो है
साइड इफेक्ट है बहुत कम है, ना के बराबर है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया है, इसलिए मार्केट में अच्छे से बिकती है।